स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा यूनिट वन में जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारे यहाँ पे इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो या फिर नथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और बिना मैनेजमेंट की हेल्प लिए कर रहे हैं तो वो जो काम है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें हर काम में जो है मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। अब आपको पता है कि हाँ भाई मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि जितने भी काम है उस गोल को पूरा करने के लिए ही करती है। तो मैनेजमेंट में इस तरीके से काम को किया जाता है कि ताकि हमारे गोल्स को पूरा कर सके हम। ठीक है, उसके अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनको इस तरीके से हम मैनेज करके चलते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा कराना है। तो जो मैनेजर है उसका ही मेन काम होता है मैनेजमेंट करने का, तो वो सभी को कॉमन डायरेक्शन देता है ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके। सेकेंड क्या, हमारे पास मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट पे हमारा काम हो जाए। तो मैनेजमेंट इसी तरीके से लोगों को मैनेज करता है कि वो वेस्टेज नहीं होने देता, कम से कम कॉस्ट पे लोगों से काम करवा लेता है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा करवाता है। और ये किस तरीके से हो सकता है, थ्रू POSDC। मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि POSDC का मतलब क्या है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से क्रिएट करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भी बिजनेस है वो एनवायरमेंट में ही रहता है। अब एनवायरमेंट में तो लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो मैनेजमेंट क्या कहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को कि हाँ भी आपको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको खुद को चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट दिस चेंजेस, यानी कि वो इन चेंजेस को अडेप्ट करें। नेक्स्ट क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि मैनेजमेंट जो वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किस तरीके से, वो कहता है कि यहाँ भी आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, आप इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज करो, आप अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करो। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होते हैं, हमारे जो है एम्प्लॉयज उनके लिए होते हैं, तो मैनेजमेंट इनको भी पूरा करने के लिए काम करता है। वो भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े, वो भी चाहते हैं कि हाँ भाई हमारी इज्जत भी हो, वो भी चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो। किस तरीके से होगी, अगर वो काम जो है मिलके काम करेंगे, टीम स्प्रिट में काम करेंगे और कॉपरेशन से काम करेंगे, ये तभी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ये जो चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का ये जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो यहां तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।